पल भर में कर जाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे या आपके जैसा, तो बिल्कुल वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बीके मिश्रा। तो एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध हो रहा है, कर्ण में और अर्जुन में दोनों का दोनों एक दूसरे पे तबा तोड़ बाण चलाए जा रहे हैं। कभी कर्ण परास्त करता है अर्जुन को, तो कभी अर्जुन परास्त करते हैं कर्ण को। दोनों में घमासान युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के दरमियान जब अर्जुन तीर मारते हैं तो कर्ण का रथ कई कदम पीछे जाकर गिरता है, जबकि जब कर्ण मारता है तो अर्जुन का रथ महज 3 कदम ही पीछे हटता है। इस पर अर्जुन को अभिमान होता है और बोलता है कि केशव देख रहे ना, मतलब कर्ण से, आप बोलते थे कि कर्ण हमसे बलशाली है और हमने आज प्रूव कर दिया कि हम कर्ण से ज्यादा बलशाली है। और उसने क्या किया, ये बात जब बोला तो केशव तो स्वयं तीनों लोग के सर्वज्ञाता आदमी थे, उन्होंने कहा कि हे पार्थ, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रथ पे शायद हम बैठे हैं इसलिए हो सकता है कि 3 कदम ही तुम पीछे जा रहे हो और वो कई कदम पीछे जा रहे हैं, इसलिए अभिमान करने की जरूरत नहीं है। अगर हम तुम्हारे रथ से बाहर निकल जाए, अगर उसका तीर लगा तो तुम्हारे रथ की पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस युद्ध भूमि में हो या फिर इस युद्ध भूमि के बाहर हो। अर्जुन को तत्काल वहम हो जाता है अपने बल पे, अपनी भुजाओं पे, बोलते कि ठीक है केशव, तो इसके लिए प्रमाण ले लिया जाए। केशव जैसे उसके रथ से बाहर होते हैं, एक तीर मारता है कर्ण और 3 लोग बाहर जाकर के गिरता है अर्जुन का रथ। इस पे केशव तो स्वयं 3 लोग के स्वामी थे, पहुंचे वहां पे, बोले कि हे पार्थ, मैंने बोला था कि कर्ण बलशाली है, बुद्धिमान है, अभिमानी भी है, तीनों ही गुण उसमें भरी हुई है, बस गलती उसकी यही है कि उसने गलत का सांप चुना है और कुछ ऐसे रणनीति वो जीवन में बना लिया है, कुछ ऐसे रास्ते पे चल पड़ा है जो चाह करके भी हम उसके पक्ष में नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। नहीं तो अगर कर्ण में इतनी बाहुभुजा है और इतने वो महाबली है कि चाहे तो एक दिन में महाभारत की पूरी युद्ध लीला को ही समाप्त कर सकता है, लेकिन वो अधर्म का रास्ता चुना है, गलत का रास्ता चुना है, इसीलिए उसके रास्ते में हम स्वयं खड़े हैं। और केशव मतलब श्री कृष्ण अगर अर्जुन मतलब पांडवों के साथ ना होते तो शायद पांडव कभी कौरवों से युद्ध ना जीत पाते। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें किसी चीज पे अहंकार नहीं करना चाहिए, बाहुबल क्या है क्या नहीं है। अगर कितना भी आप बलशाली है, कितने भी बाहुबली है, गलत रास्ते पकड़ लिए हैं तो एक दिन आपका अंत तय है। अगर आप सही हैं तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए लाचार हैं, परेशान हैं, लेकिन पराजित नहीं होइएगा। ये शाश्वत सत्य कहता है, गीता भी यही कहता है। प्यारो कहना यही चाहते हैं कि जीवन में हमें कभी भी कुछ ऐसे लोगों के संगत में या कभी ऐसे रास्ते ना पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे समाज के लिए अहित हो या फिर हमारे लिए अहित हो या फिर आने वाले हमारे जनरेशन के लिए कुछ गलत सबक बन जाए। ऐसे हमें कभी भी कुछ भी ऐसे रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी यही बताना चाहते हैं आपसे प्यारो अंततः कि हमें चाहे परिस्थितियां हमारी जैसी भी हमें लाचार कर रखी हो, अगर हम सही हैं तो बस हमें आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि अभी दुर्बलता है, लेकिन आने वाले दिनों में हम में हो सकता है बाहुबल हम भी हो जाए, लेकिन गलत के रास्ते कभी पकड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि गलत की हाथें लंबी होती है, पहुंच बहुत कमजोर होती है। इसीलिए अंतोगत्वा हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां हमें चाहे कितनी भी लाचार कर दे, लेकिन हमें अपने रणनीति से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खुद पे कभी अहंकार नहीं करनी चाहिए, अपने बलशाली, अपने बलोभुजा, अपने बाहुबल पे कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक बाहुबल है। कर्ण को भी यही लगता था कि सबसे बड़ी बाहुबल हम ही है, इसलिए हम अधर्म के भी साथ है, असत्य के भी साथ है, तो हम एक न एक दिन युद्ध को जीत जाएंगे। हालांकि वो ज्ञानी था, उसे मालूम था कि तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है, पांडवों के साथ हम युद्ध कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मित्रता वचनबद्ध अपने वचन को निभाने के लिए उसने असत्य का सांप चुना। तो आप सही भी हैं, गलत का रास्ता पकड़ ली है, तो एक न एक दिन लपेटे में आप भी आ जाइएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी आपसे यही बताना चाहते हैं, हमें किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, अपने परिस्थिति को, अपने चरित्र को, अपने ज्ञान को गलत दिशा में नहीं भटकाना चाहिए और ना ही उसका प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य और अच्छे रास्ता पर चलना चाहिए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में इसी प्रकार के अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।